कोरोना संक्रमण का कहर अब धीमा पड़ता दिख रहा है। हालांकि संक्रमण के मामले अभी भी दर्ज किए जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 12,143 नए मामले सामने आए और 103 लोगों की जान चली गई। बीते दिन 11,395 लोग कोरोना से ठीक भी हुए। देश में टीकाकरण भी हो रहा है और अब तक 79 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई भी जा चुकी है। बीते दिन 4.62 लाख लोगों को वैक्सीन लगाई गई है। वहीं बात की जाए कोरोना के नए स्ट्रेन के मामलों की, तो स्वास्थ्य विभाग के अनुसार पिछले शनिवार को एक मामला सामने आया और देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 166 हो गई। मंगलवार को फिर से देश में 2 नए मामले सामने आए, जिससे संक्रमितों की संख्या 168 हो गई और बुधवार को 2 और मामले सामने आए और संख्या हुई 170। वहीं बात की जाए गुरुवार और शुक्रवार की, तो एक भी मामला सामने नहीं आया, लेकिन फिर एकदम से 5 नए मामले सामने आए और देश में नए स्ट्रेन से पीड़ित लोगों की संख्या 175 हो गई। लेकिन रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और आज यानी शनिवार को एक भी नया मामला सामने नहीं आया। यानी पिछले 7 दिनों से लगातार संक्रमितों की संख्या जस की तस 175 बनी हुई है, जो कि एक राहत भरी खबर है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने आज शनिवार को ही ये जानकारी दी। इनमें से हर मरीज को संबंध राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित स्वास्थ्य देखभाल संस्थानों में अलग अलग कमरों में रखा गया है। उनके करीबी संपर्क में रहे लोगों को भी पृथक रखा गया है। संपर्क में आए सहयात्रियों, परिवार में संपर्क में आए लोगों और अन्य का पता लगाने की व्यापक स्तर पर कोशिश हो रही है। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं।